इतनी बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बीजेपी यूपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान गोविंद नारायण शुक्ल ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। पटना में विपक्षी एकता अपनी ताकत दिखाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर क्या पलटवार होगा, हमारे साथ बात करने में मौजूद है प्रदेश महामंत्री है गोविंद नारायण शुक्ल जी। गोविंद भाई, पटना में आज विपक्ष अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के 9 वर्ष पूरे होने पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, उन अभियानों को लेकर के हम लोग गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं। हमारा जो फोकस है जो मोदी जी के 9 वर्ष के कार्य हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उन कार्यों को जनता के बीच में लेकर के जाने का। और मैं कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के जो गरीब कल्याण के काम हैं या देश में, उसके कारण जनता ने मुझे 2014 से अब तक लगातार जन समर्थन प्राप्त हुआ है। विपक्ष अपना जो करना है, पहले भी उन्होंने गठबंधन किए हैं और उस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी है। और मैं इतना कह सकता हूं कि अभी हाल के निकाय चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें एक बड़ा बहुमत दिया है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम गरीब कल्याण के काम हमारी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, हमारा कार्यकर्ता, उसकी मेहनत की पराकाष्ठा और जनता का आशीर्वाद 2024 में भी मुझे मिलेगा और बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में मैं और बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखा गया बसपा सुप्रीमो मायावती हूँ, चाहे आरएलडी के जयंत चौधरी, इन लोगों ने दूरी बना रखी है, अखिलेश यादव जा रहे हैं, कांग्रेस जा रहे हैं, तो इसका क्या माना जाए कि आरएलडी से अभी भी कोई बीजेपी की बातचीत हो सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर? इन सारे विषयों पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सब लोगों को जो जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता का है कि जो हमें जिम्मेदारी है उसकी हमें जवाबदेही है और हम उतने ही दायरे में अपने को काम को करते हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ से लेकर के केंद्र तक का नेता इस समय केंद्र के अपने 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है। ये कहीं न कहीं ध्यानाकर्षण भटकाव करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन भाजपा अपने चरैवेती के मूल मंत्र पर चलते हुए पुनः 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाएगी। नारायण शुक्ल जी बताया थे कि हम चरैवेती के उस पे चलते हैं और आगामी 2024 के इलेक्शन में भी हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे और साथ में 400 का आंकड़ा भी पार करेंगे। विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश कर रही है पर वो सिर्फ कोशिश रह जाएगी क्योंकि विपक्ष के अंदर अब कोई ताकत बची ही नहीं है। वीडियो वीरेंद्र साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ।